मौजूद हूं मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला क्षेत्र में एक संकी युवक ने सुबह 8 बजे एक स्कूली बच्चे और ना जाने कितने लोगों के ऊपर चापड़ से हमला कर दिया। लोग लगातार उस युवक से चापड़ छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी छीनने की कोशिश कर रहा था वो उसी के ऊपर चापड़ से हमला करने लग जाता था। युवकों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई है। तभी 4 से 5 युवक आते हैं जिन्होंने उसके ऊपर, उस संकी युवक के ऊपर काबू पाया है। जय सर, पूरा मामला नरेला का है और नरेला में एक संकी युवक सुबह सुबह नारियल की दुकान पर पहुंचता है और नारियल की दुकान पर पहुंचने के बाद नारियल की दुकान से एक चापड़ लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ऐसा ही एक चापड़ है, ये देखिए, ऐसा ही एक चापड़ जो नारियल की दुकान पे लगा हुआ था पीछे से आता है और पीछे से वो चापड़ लेकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर जाने के बाद वो युवक स्कूल में जाते हुए एक छात्र के ऊपर हमला करता है। जब बीच बचाव में लोग आते हैं तो वो एक लोग के ऊपर हमला करता है। इस पूरे मामले में एक युवक और एक स्कूली छात्र पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भिजवाया गया है। जो भी लोग वहां पर बचाने की कोशिश कर रहे थे बच्चे को और जो भी लोग उससे चापड़ छीनने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी के ऊपर वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बात ये रही कि सभी युवक तो बच गए, लेकिन एक युवक और एक स्कूली छात्र जो है वो घायल हो गया और जिनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। हमारे साथ यहाँ के कुछ चश्मदीद लोग यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। कैसे, क्या पूरा मामला था भैया? सर, ऐसा हुआ कि सुबह 7:30 बजे के आसपास का टाइम था और ग्राहक खड़े थे यहाँ, पानी पीने वाले जैसे घूमने फिरने वाले आते हैं, तो वो मेरे पास आए और मैंने उनको जैसे नारियल काट के दिया। तो मुझे नहीं पता वो किस टाइम पीछे आया और कैसे हुआ कि हमारा, जैसे मैंने उसको नारियल काट के दिया और पन्नी उठाने लगा तो वो पीछे से वो मेरा चापड़ था वो उठा लिया उसने और उठा के पीछे खड़ा भागने लगा। जब ग्राहकों ने बोला कि भाई चापड़ दे दे इसका वापिस, तो वो चापड़ ना देके कि वो उनके पीछे लगा, उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई, वो दूसरी साइड भाग गया। फिर आगे जाने के बाद हमें नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हमें पता लगा कि कई लोगों को उसने मारा है। हमने जब तक हमारे पीछे खड़ा है, अखाड़े में से हमने आवाज मारी, 2-4 बच्चे आए निकल के हमारे साथ, हम भी उसके साथ गए हैं, भाग के गए हैं। तो जब तक ये वारदात वो कर चुका था और हॉस्पिटल में घुस गया था अपने बचाने के लिए, वहां जाके उसको पकड़ा है, उसको मारा पीटा है जब वो काबू में आया है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या वो सुबह 8 बजे का समय रहा होगा जब वो क्या संकी लग रहा था या कोई अपराध किस तरीके की प्रवृत्ति थी, वो कैसा था, क्या था उसके अंदर, क्या था समझ में नहीं आया ये कुछ। हाँ, वैसे नॉर्मल आदमी लग रहा था, अब उसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता। अच्छा। ये हम नहीं कह सकते। तो नरेला में सुबह 8 बजे का समय रहा जब एक संकी युवक सुबह सुबह के समय पे यहाँ पर पहुंचता है, नारियल वाला नारियल बेचता रहता है। तभी पीछे से वो युवक आता है और युवक तुरंत युवक की जो है वो नजर चापड़ पर जाती है और चापड़ को वहां से उठाकर ये वो तुरंत यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तभी नारियल वाले को पता चलता है कि उसका चापड़ गायब और वो देखता है कि एक युवक उसका चापड़ लेकर जा रहा है। तभी युवक उसके पीछे भागता है, वो चापड़ लेने की कोशिश करता है लेकिन वो युवक उसके ऊपर भी हमला करना चाहता है। तभी 5 से 6 युवक और आते हैं, वो भी उससे चापड़ छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो युवक वहां से भागता है और जो भी उससे चापड़ छीनने की कोशिश करता है उसको वो मारने के लिए दौड़ता है। आगे चल के एक स्कूली छात्र जो है वो स्कूल में जा रहा था, उसके ऊपर उसने हमला किया, एक युवक के ऊपर हमला किया, जिसको दोनों को जो है वो नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया। लेकिन गनीमत यह रही कि लोगों ने सतर्कता दिखाई और लोगों ने उसको तुरंत वहीं पर पकड़ लिया और तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस संकी युवक को पकड़ लिया है और सलाखों के पीछे कर दिया है। फिलहाल देखते रहिए अंकित के साथ, मैं सनी तुसीर, दिल्ली समाचार।